हेलो गाइस गाइस, आज की शूट में हम बात करने वाले हैं कुछ आईसीज के बारे में। गाइस काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है कि आईसी को किस तरह से भाई चेक करें, इस पे ये बताओ, इस पे वीडियो बनाओ। तो यार आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है और मैं जो है आपको इसमें कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिनसे आप इजीली पता कर सकते हैं कि आईसी आपकी खराब हो गई है या फिर सही है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ आईसी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। इसमें आईसी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स भी हैं, वो भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा वो क्या होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया जानकारी मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे है मल्टीमीटर जिससे मैं जो है चेक करने वाला हूँ कि आखिर हम किस तरह से पता करें कि हमारी आईसी सही है या फिर खराब हुई है। तो गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरे पास मल्टीमीटर है, ठीक है। और मैं जो है आपको एक बोर्ड और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इस बोर्ड का आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बोर्ड है मेरे पास, इस बोर्ड में जो है आईसी बेकार हो गई है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें रेजिस्टेंस भी बेकार हो गया था, आपको बताऊंगा कौन सा बोर्ड है, किस तरह से मैंने इसको करा था अभी, ठीक है। चलिए मैंने इसको इधर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेरे पास छोटी हैं और कुछ मेरे पास बड़ी आईसी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो गाइज मैं जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, गाइज आप जो है आईसी को सिंपल इजीली चेक नहीं कर सकते। गाइज ऐसा होता है, एक आईसी एक कंपनी ने बना दी, दूसरी आईसी दूसरी कंपनी ने बना दी, उसी नाम की वही काम कर रही है, पर गाइज उसके अंदर जो है चेकिंग के जो प्रोसेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो गाइज ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। गाइज मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 40-70 की ये वाली आईसी है, ठीक है। अब ये एक कंपनी ने बना दी और ये मेरे पास ये भी मान लीजिए 40-70 की आईसी है, ये भी एक कंपनी ने बना दी, ठीक है। अब गाइज क्या होगा, इन दोनों कंपनियों ने कुछ इसमें कोडिंग ऐसी की होती है, यानी कुछ चेंजेस इसमें ऐसे किए होते हैं जिससे गाइज चेकिंग का जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। तो हर मार्केट में जो है अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स मिलते रहते हैं, कभी कोई सी वैरायटी आ जाती है, कभी कोई सी वैरायटी। और गाइज आपने जो है एक तरह से नाम और सुना होगा कि आप जो है 40-70 की आपके पास नहीं आई सी तो आप 40-37 की लगा लो, 40-44 की लगा लो, इस तरह से आपने जो है कुछ नाम सुने होंगे जिस तरह से बोला जाता है कि आपको जो है कैपेसिटर नहीं मिल रहा है 100 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट में नहीं मिल रहा है तो आप जो है 26 वोल्ट का लगा दो। तो गाइज उसी तरह से आईसी में भी किया जाता है, पर गाइज आईसी जो है वहाँ पे इजीली काम नहीं कर पाती है। जिसको अच्छे से इसकी नॉलेज होती है वही इस चीज़ को आगे कर सकता है, ठीक है। तो गाइज हम जो है इसमें मैं जो है आपको कुछ इसमें स्टेप्स बताऊंगा। अगर आपके पास कोई बोर्ड है और आप जो है वो बेकार हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें जो है कोई कंपोनेंट सही है, सारे कंपोनेंट सही है और उसमें जो है आईसी बेकार हो गई है, तो आप इसको किस तरह से पता करेंगे वो भी हमें आप अभी जो है हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं जो है इस मल्टीमीटर को लेकर आता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये मल्टीमीटर सबसे पहले कंटिन्यूटी पे अपने सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद आपको अब कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब मैं जो है मल्टीमीटर को इसको थोड़ा सा अच्छे से रख देता हूँ जिससे आपको जो है ये अच्छे से दिखाई दे और आपकी जो आईसी है वो भी अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो गाइज अब आपको जो है सिंपल मल्टीमीटर इजीली से दिख रहा होगा और आपको जो है आईसी भी दिख रही होगी। अभी हम चेक करने से पहले एक दो बात गाइज और बताने चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी उस बात से। जब भी मैंने अभी आपको जो है ये सर्किट दिखाया था, ये मैंने क्यों दिखाया था और इसका जो है क्या प्रोसेस है, इसमें आईसी डैमेज हो गई है, साथ ही साथ कुछ और कंपोनेंट भी डैमेज हो गई है, उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए एक मिनट मैं जो है इसको सारे को साइड कर देता हूँ और अब जो है मैं इस पर आता हूँ, ठीक है। अब गाइज इस ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये आपसे सबसे पहले ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं, गाइज आईसी जब लगाई जाती है, जब हमें काफ़ी सारे कंपोनेंट को, यानी इसमें जो है क्या होता है गाइज, इसमें जो बहुत सारे कंपोनेंट मिक्सअप होते हैं जिससे क्या होता है हम जो है उन सारे कामों को एक सिंपल आईसी की मदद से कर लेते हैं। तो गाइज इसलिए जो है आईसी का आविष्कार हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके साथ में ये जो आईसी यहाँ पे लगी हुई है, इसके साथ में और भी काफ़ी सारे जो है कंपोनेंट लगे हुए हैं। गाइज अक्सर कैसा होता है, अक्सर ऐसा होता है गाइज जब भी हम आईसी को यहाँ पे चेक करने के लिए बैठ जाते हैं, मान लीजिए आपका कोई सर्किट खराब हो गया, जिस तरह से ये सर्किट खराब हो गया है और आपको जो है कोई फॉल्ट नहीं मिल रहा है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे पीछे की तरफ भी आपको कोई फॉल्ट नहीं मिल रहा, कोई जला हुआ नहीं मिल रहा है, कोई कंपोनेंट ना फिर फटा हुआ मिल रहा है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे जले हुए हैं उस तरह से कोई नहीं मिल रहा, तो आप क्या सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि आईसी जो है हमारी खराब हो गई है, तो क्या करते हैं आप, आईसी को चेंज कर देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि आईसी जो है इतनी जल्दी से चेक नहीं होती है। चेक होती भी है गाइज, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, वो मुझे नहीं पता है वो किस तरह से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इनको उसकी मदद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। पर गाइज आपके पास वो नहीं होते हैं तो आप क्या करते हैं, सीधी निकाली और दूसरी डाल दी और फिर भी क्या होता है कि सर्किट
90% नहीं चलता है, 10% ऐसा हो जाता है कि हाँ वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। तो गाइस आपको जो है तुक्के नहीं मारने हैं इस चीज़ में, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज गेन करनी है लेनी है तो आपको जो है इस चीज़ का पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखते हैं कुछ कंपोनेंट यहाँ पे और भी लगे हुए हैं। गाइस ये कंपोनेंट क्यों लगाए जाते हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये गाइस कंपोनेंट जब इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारी जो आईसी है उस पर एक तो जो हमारी वोल्टेज है वो बिल्कुल फिक्स जानी चाहिए, मतलब कि इसमें जो है ना तो कम जानी चाहिए और ना ही ज़्यादा जानी चाहिए, ठीक है। इसलिए ही इस पर कैपेसिटर लगाए जाते हैं, इसलिए ही इस पर रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, कभी ज़्यादा ना चली जाए, ज़्यादा जाएगी तो पहले रेजिस्टेंस बेकार होगा उसके बाद आपकी आईसी जो है वहाँ से डैमेज होगी। तो गाइस आईसी को इतना प्रोटेक्ट किया जाता है सर्किट में कि आईसी से जलते जाते 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 उससे पहले जो कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और आईसी जो है बच जाती है। कोई कोई कंडीशन ऐसी आती है कि आईसी भी उड़ जाती है साथ के साथ, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सर्किट में क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे इसका कैपेसिटर जो है चेंज कर दिया था, तो क्या हुआ था गाइस ये जो है मैंने कम वोल्ट का लगाया था तो साथ ही साथ वो तो फट ही गया और साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी फट गया यहाँ से, और फिर ओवर होके वोल्टेज जो करंट था हमारा वो सीधा आईसी में चले गया और यहाँ से आईसी भी जो है बहुत तेज धमाका हुआ था गाइस इसमें, ठीक है। तो साथ ही साथ ये जो है ये भी बेकार हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस आईसी की जो है 99% चांसेस ऐसे होता है कि पहले कंपोनेंट डैमेज हो जाते हैं जो उसमें लगे होते हैं, उसके बाद आईसी पे आती है। अगर आईसी गाइस साथ ही साथ बिल्कुल ही डैमेज हो जाते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसी अगर आपको सर्किट में इस तरह की मिल रही है, ठीक है, अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की आईसी है और सर्किट में भी ऐसी की ऐसी है आईसी लगी हुई है, तो गाइज आप जो है उसको नहीं देख के बता सकते कि वो खराब हो गई है या फिर सही है। और गाइज एक बात और है यहाँ पे, अगर आप सर्किट के बाहर निकालने के बाद आईसी को चेक करते हैं तो कुछ और कंटिन्यूटी देगा आपको, और अगर आप सर्किट के अंदर रखने के बाद आईसी को चेक करते हैं तो कोई और कंटिन्यूटी देगा आपको, तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मैं अब जो है आपको कुछ स्टेप्स में बता देता हूँ। आप बोलेंगे भाई बोर कर रहा है यार, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपकी, बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके, ठीक है। तो चलिए अब मैं जो इसको साइड करता हूँ और चलिए यहाँ पे जो है सीधा मल्टीमीटर से गाइज कुछ स्टेप्स इसमें मैं आपको बता दूंगा जिससे आप इजीली तो है पता कर सकते हैं, पर कंफर्म बिल्कुल 90% आप जो है इसमें कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ आपकी आईसी जो है वहाँ तक ही सही हो सकती है। पर गाइज उससे ज़्यादा अगर इसमें जो है कोई और कंपोनेंट अंदर से डैमेज हो जाते हैं जो कि ना तो शो करते हैं और ना ही मल्टीमीटर में रीडिंग शो करते हैं, तो उससे जो है आप नहीं बच सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंपल मैं जो है इसको कंटिन्यूटी पे लगा दिया। कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद आपको जो है कुछ इसमें स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले गाइस स्टेप क्या है, सबसे पहले मैंने जो आपको बता दिया कि आपको जो है यहाँ पे देखना है कि आपकी जो आईसी है वो यहाँ से पूरी की पूरी डैमेज हो गई है, जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल डैमेज हो गई है यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हर सर्किट में डैमेज हो जाती है। अब दूसरा क्या है, सबसे पहले मैं जो है इसकी पिन जो है, चलिए एक आईसी ले लेता हूँ मैं इसमें से कोई सी, चलिए मैंने ये ले ली यहाँ से आईसी, ठीक है। और इसकी जो पिन है थोड़ी सी इसमें यहाँ से ये, ठीक है, ये मैंने इसलिए किया आपको जो है अच्छे से दिखाने के लिए कि हाँ आप जो है किस तरह से इसको चेक करेंगे, इसको बाद में मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये भी हो गई है, ठीक है। अब मैंने इसको नीचे रख दिया और इसको जो है थोड़ा साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको चेक करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे दो प्रोब्स हैं, आपको क्या करना है, आपको ये कंटिन्यूटी पे लगा देना है जिस तरह से मैंने इसको लगाया हुआ है। थोड़ा नीचे कर देता हूँ मल्टीमीटर को, जिस तरह आपको जो यहाँ से दिखाई दे, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें सबसे पहला स्टेप क्या देखना है, अगर आपको जानना है कि आईसी आपकी बेकार है या फिर सही है, सबसे पहले स्टेप में आपको ये देखना है गाइस, मुझे भी नहीं पता ये आईसी सही है या फिर बेकार है, मैं भी आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं जिस तरह से मैंने सीखा है कहीं से, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपको जो है आईसी के जो अपनी प्रोब्स हैं उसको एक पे रखना है, ठीक है। कोई से पॉइंट पे रख सकते हैं, इस पे रख सकते हैं, इस पे रख सकते हैं, और आपको ये देखना है कि इनमें से जो पिंस है वो एक दूसरे के साथ शॉर्ट तो नहीं है। सबसे पहले गाइस क्या होता है, जब भी आईसी बेकार होती है तो पिंस जो है अंदर से उसकी शॉर्ट हो जाती है, और अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो गाइस आपकी जो आईसी है वो बेकार हो गई है, ठीक है। चलिए मैं जो इसको चेक करता हूँ एक मिनट, तो यहाँ से कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, यहाँ से भी कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें जो है कंटिन्यूटी शो करी है पर इसने बीप की साउंड अभी भी नहीं दी है, ठीक है। अगले पे देखते हैं, यहां पे भी कंटिन्यूटी शो की और चली गई, तो गाइज आप यहां पे देख सकते हैं आपको कुछ पता चला इसमें। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं मैंने जो है एक पिन से सभी पिन को अटैच करके देखा और देखा यहाँ पे कोई पिन शॉर्ट तो नहीं है, गाइस इसका मतलब हमारी जो आईसी है वो इस तरह से शॉर्ट तो नहीं है। और अब देखने वाले हैं दूसरे स्टेप को, सारी पिन्स पे इस तरह से लगा के, ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी लगा दिए इस तरह से लगा के, और यहाँ पे जो है आपको वन बाय वन करके चेक करना है कि इधर की जो पिंस हैं वो इधर वाली पिन से शॉर्ट तो नहीं हो गई है अंदर से, ठीक है। इस बात का भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए एक मिनट में इसको भी यहाँ पे चेक करता हूँ वन बाय वन करके,
तो गाइज यहां से आप देख सकते हैं इसमें भी कोई पिन शॉर्ट नहीं है। अभी यहां पे रीडिंग आई थी लास्ट वाली पिन में, तो यहां से आप देख सकते हैं गाइज रीडिंग तो आ रही है पर यहां पे जो है अंदर से ये शॉर्ट नहीं है। तो गाइज इस तरह से आप जो है इसमें पता लगा सकते हैं। और गाइज एक कंडीशन और है, अगर आप इसको सर्किट में लगाने के बाद चेक करेंगे तो इसमें जो है कंटिन्यूटी शो करेगी 101%, क्योंकि गाइज जब भी मैंने इसमें जो है आईसी कहीं भी यूज की है तो उसमें क्या होता है गाइज पिन को जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करवा दिया जाता है। ज्यादातर तो मैंने ऐसा ही देखा है और ज्यादातर ऐसा भी होता है। चलिए मैं इसमें भी दिखाता हूं आपको। यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे दूसरी से तीसरी पिन जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है और यहां पे दो पिन जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है और दो पिन अलग से रखी हुई है। तो गाइज अगर आप इसको सर्किट में लगाने के बाद चेक करते हैं तो आपको जो है कोई और जो है कंटिन्यूटी शो करेगा। और अगर आप इसको बाहर चेक करते हैं, बाहर चेक करने के दो से तीन ही तरीके हैं जो कि मैंने आपको अभी बता दिए हैं दोनों की। आपको ये चेक करना है कि शॉर्ट तो नहीं है और आपको ये भी और देखना है फिजिकली कि ये जो है आगे पीछे से कहीं टूट तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं हो गया, जैसे गिर जाती है ऐसी और उसके बाद जो है वहां से ब्रेक हो जाती है। तो गाइज ये भी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर आप बीच में से कोई ऐसी टूट जाती है तो आपको वो जो है वहां पे सर्किट में नहीं लगानी है, आपको वो जो है सीधे हटा देनी है, ठीक है। और ज्यादातर आप जो है आईसी को यार इसी तरह से चेक कर सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है। यूट्यूब, पूरे यूट्यूब पे आप छान सकते हैं, कोई ऐसे ही बता देगा आपको, गलत वक्त बता देगा, ठीक है। तो गाइज मेरी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको कुछ इस पे जानने को मिला हो, और एक बात यार कुछ बताना तो मैं भूल गया आपको कि माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं गाइज। इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं गाइज, इसमें क्या होता है गाइज, इसमें आप जो है अपनी कोडिंग कर सकते हैं, यानी इस आईसी, इस माइक्रो कंट्रोलर्स को उसमें क्या होता है गाइज, एक तरह का ऐसा होता है आईसी में जो है इनबिल्ड होके आता है प्रोग्रामिंग। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जिस तरह से हम इसको ढाल सकते हैं उस तरह से हम ढाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये लॉक्ड होके आती है, पूरी बनी हुई आती है। पर ये जो है महंगे आते हैं गाइज, बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, ये तो 10-15, 15-20 रुपए की आपको मिल जाते हैं ऐसी, पर ये जो है 200-150-250 ऐसे आते हैं ये। इसमें जो है आप अपनी तरह से कोडिंग करके, जिस तरह से आपने देखा होगा आर्डिनो बोर्ड में, अगर आप थोड़ा एडवांस जाते हैं तो आर्डिनो बोर्ड में ये लगे होते हैं, आपको पता होगा, उसमें जो है आप जिस तरह की कोडिंग करते हैं उसी तरह से वो जो है वहां से वर्किंग करने लगता है। तो गाइज यही लगे होते हैं, इसे ही माइक्रो कंट्रोलर्स बोलते हैं। तो बस गाइज आज की जो वीडियो है यही समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइज आज की जो वीडियो है इसमें आपको क्या क्या जानने के लिए मिला आईसी के बारे में, माइक्रो कंट्रोलर्स किस तरह से चेक की जाती है, कुछ कंडीशन बताई मैंने आपको। और अगर आपके अब भी सर्किट में कोई आईसी बेकार है या फिर आपको लगता है कि बेकार हो गई है तो निकालिए उसको और देखिए, उसके बाद उसको रिपेयर कर दीजिए, वरना आप जो है पहले कंपोनेंट को देखिए कि सारे कंपोनेंट सही है या फिर बेकार है। तो बस गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।